नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 अगस्त गुरुवार सुबह 7:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। गंगानगर जिले में पुलिस थानों में बड़ा फेरबदल किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि श्री गंगानगर जिले में 11 CI व 6 SI के तबादले किए गए हैं। जानकारी के अनुसार CI राम प्रताप को हिंदू मलकोट थाना, धर्मपाल को घरसाना, रामचंद्र को केसरी सिंहपुर, अलग सिंह को श्री करनपुर, सुरेंद्र कुमार को DST प्रभारी, राजकुमार राजोरा को SC ST सेल, मजीद खां को सेक्यूअल, दिगपाल सिंह को एथू, मदन लाल को जैतसर, राजेश को महिला थाना, विजय कुमार मीना को जिला विशेष शाखा, SI धर्मपाल को SHO राम सिंहपुर, रमेश्वर लाल को SHO श्री विजयनगर व विक्रम तिवारी को SHO राजेसर, प्रहलाद चंद्र को अनूपगढ़, सुरेश कुमार को सदर थाना श्री गंगानगर, संदीप कुमार को रावला थाना में लगाया गया है। प्रतापगढ़ जिले में ECB ने कार्रवाई करते हुए समाज कल्याण के विभाग के बाबू संदीप को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही संविदा कर्मी कुलदीप को भी ACB ने दबोच लिया। ACB के अधिकारियों ने बताया कि इन्होंने छात्रवृत्ति की एवज में घूस मांगी थी। भरतपुर जिले के कामा में पुरानी दीवार गिरने के मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार कामा कस्बे के हनुमान पाष्ठा में एक पुरानी दीवार गिर गई। JCB की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 15 बाइक जब्त की गई है। पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नरेश गेरा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पूछताछ में आरोपियों ने जंक्शन थाना के अलावा अन्य जगहों पर भी चोरी की वारदात करना स्वीकार किया है। पकड़े गए चोर बदमाश प्रवृत्ति के हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। बूंदी जिले में घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में विशेष न्यायालय की पोक्सो कोर्ट ने आरोपी सुरेश को 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही आरोपी पर 5000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जोधपुर जिले के मंडोर थाना पुलिस ने पीट एक्ट के तहत कार्रवाई कर 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई रामसागर न्यू परिहार नगर क्षेत्र में की गई। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी, उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। राजस्थान रोडवेज से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार रोडवेज CMD नवीन जैन ने मिलीभगत करने वाले उड़न दस्तों पर बड़ा एक्शन लिया है। नवीन जैन से सभी गाड़ियों के चालकों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे चालकों को 6 माह तक ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यही चालक उड़न दस्तों के मूवमेंट की जानकारी लीक कर देते थे, इस पर यह कार्रवाई की गई है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर बुधवार दोपहर को एक मोबाइल की दुकान पर लूट हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय की गई और नाकाबंदी कर कार सवार 3 लोगों को दबोच लिया। इनमें एक महिला भी बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर को पुरानी आबादी के ताराचंद वाटिका के पास एक मोबाइल की दुकान पर 30,000 से ज्यादा की लूट हो गई। कार में सवार होकर आए 3 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सोनू नरूला का कहना है कि उसने इस घटना की जानकारी तुरंत ही पुलिस को दे दी, जिसके उपरांत नाकाबंदी की गई। कोठा गांव के पास कार में सवार 3 लोगों को हिंदू मलकोट पुलिस ने पकड़ लिया। इनसे पुलिस अब अपने स्तर पर कड़ी पूछताछ कर रही है। राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र के दासरिया गांव में तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि अभी तक इनके डूबने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने दोनों के शवों को ग्रामीणों की सहायता से निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। अलवर जिले के कोटकासिम थाना क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खीका कापुर, निमलाका, सिंगावा, भोजराज का, जोड़िया आदि गांवों में कार्रवाई करते हुए 50 मामलों में करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। XCN किशनगढ़ बास के नेतृत्व में यह संयुक्त कार्रवाई की गई। जोधपुर जिले में 3 तलाक के मामले में आरोपी युवक को ACGM
दो की कोर्ट ने जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी द्वारा पत्नी के साथ मारपीट कर उसे 3 तलाक दे दिया। बनार थाना पुलिस ने पत्नी की रिपोर्ट पर युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी अब्दुल सत्तार को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।